मुझे राज्य के औरतों की सुरक्षा की बहुत चिंता है, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा गृहमंत्री खुद करेगा। कम इन। हेलो मिस्टर बदमाश, ध्यान से सुन। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने मिलकर मेरे साथ बहुत अच्छा गेम खेला। तुमने मेरा डायमंड चुराया, उसके बदले में मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गन पॉइंट पर रखा है। मैं तुम्हें डायमंड वापस कर दूंगा, लेकिन प्रिया को छूने के बारे में सोचना भी मत। चलो दोनों मिलकर एक गेम खेलते हैं। तुम मुझे 10 मिनट के अंदर मिलने आओगे। मुझे पता है जल्दी आओगे। किंग, प्रिया जब भी हुक्म करेगी एक पल की देरी नहीं करेगा ये बदमाश। इधर देख, लड़की ऊपर है। बस करो। ए हीरो, चुपचाप डायमंड दे दो, मैं तुम्हें लड़की के पास ले जाऊंगा। मैं अपनी प्रिया के लिए डायमंड तो क्या, जान जान भी दे सकता हूं। गुरु भाई, कोरे कागज पर सुसाइड नोट लिखवाकर मर्डर को कवर करना ओल्ड टेक्निक हो गई है। इससे मारने के लिए नई टेक्निक आजमाएंगे। तुझे डायमंड मिल गया है, प्रिया को छोड़ दे। विजय,
देखो तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी खातिर यहाँ से चले जाओ। ए गुरु भाई, ये दोनों तो मेगा एपिसोड बना रहे हैं। तुम्हें तुम्हें रुक जाओ। प्रिया ओहो सॉरी बेबी। रोमियो, तेरी जूलियट तो गई। चलो उठाओ उस डेड बॉडी को, बाहर ले जाओ। रुद्रपा, ले जाओ इसे यहाँ से। गुरु भाई, हर न्यूज़पेपर टीवी में खबर दे दो, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बल्कि फ्यूचर सीएम को मार दिया है। अब से मैं किंग भी हूँ और किंग मेकर भी। दर्शकों, एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये किसी आम लड़की का नहीं बल्कि राज्य की होने वाली सीएम प्रिया सिन्हा का कत्ल हुआ है। पार्टी आगे क्या निर्णय लेने वाली है, ये जानने के लिए हम पार्टी कार्य अध्यक्ष गुरु भाई से बार बार संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी के कार्य अध्यक्ष गुरु भाई ने हमसे खुद कॉल करके बात की। अब हम किंग के घर के पास है, आप ये घटना लाइव देख रहे हैं। हे छोड़ो मुझे, चलो छोड़ो छोड़ो, मैं स्टेट का होम मिनिस्टर हूँ, जाओ जाकर पहले वारंट लेकर आओ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सर, आपको इस कुर्सी पर बिठाने वालों ने ही आपका वारंट निकाला है। आप कोऑपरेट कीजिए तो हम आपको शांति से ले जाएंगे, वरना खामखा आपकी बेइज्जती की बारात निकालेंगे। अब आप ये तय कीजिए कि आप आखिर जाना कैसे चाहते हैं, आराम से। ए रुद्रपा, तुम मुझे वारंट के बगैर अरेस्ट नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे, वरना मैं एक-एक को देख लूंगा। मैं राज्य का गृह मंत्री हूँ। क्या हो गया तुझे? काम डाउन, एक मिनट। होम मिनिस्टर को हम प्रिया सिन्हा के मर्डर के लिए अरेस्ट कर रहे हैं विद सीएम ऑर्डर। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। थैंक यू। दर्शकों, अब हम जो देख रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। किंग ने खुद प्रिया सिन्हा को अगले सीएम पद के लिए चुना था, अब उसी के खून में गिरफ्तार हो रहे हैं। यस, किंग इज अरेस्टेड। किंग को अरेस्ट नहीं, सीधा फांसी पर लटका दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया जाए। ये मेरी डिमांड नहीं है, ये जनता की डिमांड है। प्रिया सिन्हा के मर्डरर किंग को अरेस्ट करने का एक्सक्लूसिव वीडियो देखिए। इसे देखकर विश्वास नहीं होता, देशभक्ति का नाटक करने वाला किंग एक खूनी निकलेगा। ये शॉकिंग है। ये जनतंत्र पर लगा कलंक है। मुख्यमंत्री राम तिलक ने एक स्पेशल टास्क फोर्स को नियुक्त किया है और उस फोर्स का सूर्या श्रीवास्तव को हेड बनाया, जो इस काम को अंजाम देंगे। किंग के कुकर्मों में सहभागी होने के लिए पुलिस ने पुलिस ब्रह्मा गुरुजी को भी अरेस्ट कर लिया है। आज किंग के पर्सनल बॉडीगार्ड रियाज खान को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसके खिलाफ भी सबूत मिले हैं। जिस किंग को आज तक देशभक्त कहा जाता था, उसे अब देशद्रोही करार दिया गया है। कई सालों तक जो इंसान मीडिया को बेवकूफ बनाता आया है, आज उसी किंग का झूठा चेहरा मीडिया के सामने आ गया है। यही है इस राज्य की असली ब्रेकिंग न्यूज। किसी को तुमसे बात करनी है। हेलो किंग भाई, मैं हूँ विक्रम प्रताप सिम्मा का जमाई। तुम्हारे बुरे दिन लाने वाला मैं ही छू बदमाश। तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? रिवेंज सर, रिवेंज। तुमने मेरी प्रिया के पापा विक्रम प्रताप सिम्मा का कत्ल किया और उसी कत्ल को सुसाइड बताकर उन्हें देशद्रोही ठहराया, उसी बात का रिवेंज। तूने किसी 2% के पुलिस वाले को खरीद लिया है ना, इसीलिए इतना ज्यादा उछल रहा है। हो सकता है वो तुम्हारी नजरों में 2% का पुलिस वाला हो, लेकिन आज के बाद पब्लिक उन्हें नेशनल हीरो मानेगी और वही हीरो तुम्हारे सामने बैठा है, रुद्रपा सर। आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन किस हक से लेंगे, जबकि आपने कभी पूरी ईमानदारी से काम किया ही नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम प्रताप सिम्हा एक ईमानदार देशभक्त पुलिस ऑफिसर, जब किंग ने उनका कत्ल करके उन्हें देशद्रोही ठहराया, उस वक्त एक पुलिस वाला होने के नाते आपने एक्शन क्यों नहीं लिया सर? अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है रुद्रपा सर, बस एक बार ईमानदारी दिखा दीजिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? गेम सर, हमें गेम खेलना होगा। तुम्हें लगता है कि इस बेवकूफ बुड्ढे का साथ लेकर तुम मुझसे गेम जीत जाओगे? जेल में जाने के बाद भी मेरा पावर बटन मेरे हाथ में है। ठीक है मिस्टर किंग, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। रामायण में
जिसकी वजह से रावण युद्ध हार गया वो कौन है? और कौन? विभीषण। Exactly. उसी तरह हमारे गेम में विभीषण दूसरा कोई नहीं, आपका भाई है। गुरु भाई, आपका छोटा भाई सूर्या लंदन में क्या कर रहा है? ए, ए, तुम सूर्या के बारे में कैसे जानते हो? सूर्या जिंदा है, वो लंदन में रोड साइड पे फूलों के बुकेस बेचता है। क्रिकेट बैटिंग का बेताज बादशाह सूर्या भाई लंदन में फूलों की दुकान चलाता है, क्या किस्मत है। अगर किंग को पता चला कि सूर्या मरा नहीं है तो आपको मरना पड़ेगा। एक बात बताइए गुरु भाई, आप किंग से उम्र में बड़े हैं, उसे तो आपकी इज्जत करनी चाहिए ना, लेकिन उसने आपको असिस्टेंट बना रखा है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? गेम भाई, हमें गेम खेलना होगा। प्रिया को मारने के लिए ग्रहण के दिन फॉरेन से किसी शूटर को बुला लो। राजा को प्रिया की सच्चाई का पता चल गया है, वो कल ही उसे मारने वाला है। अब हम क्या करेंगे? विजय, शूटिंग एकदम रियल होगी गुरु भाई, लेकिन गन पक्की नकली होगी। किंग प्रिया पर गोले चलाएगा, ये आपको मोबाइल में रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद मैं प्रिया को सेफली अब्रॉड भेज दूंगा। और उसके बाद यहाँ पर हरी साहब पूरे देश को प्रिया के मरने की ब्रेकिंग न्यूज देंगे। गुरु भाई, पार्टी का कार्य अध्यक्ष होने के नाते आप सीएम से किंग का अरेस्ट वारंट निकलवा सकते हैं। किंग प्रिया पर मेरे सामने गोलियां चलाएगा और मैं उसे बचा लूंगा। पक्का ट्रेजिक फिल्म का क्लाइमेक्स लगेगा गुरु भाई। तुम राजा को अच्छी तरह नहीं जानते विजय, प्रिया को मारने के बाद वो मरी है या नहीं ये देखने के लिए उसकी पल्स जरूर चेक करेगा, तब क्या होगा? गुरु भाई, नो प्रॉब्लम। कुछ लोगों में जन्म से ही उनके रेडियल नर्व से पल्स नहीं मिलते, ये एक बर्थ कंडीशन है। प्रिया के पल्स चेक करो, एट एनी गिवन ऑफ टाइम तुम्हें पल्स नहीं मिलेगी। अरे वाह 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 वा, ये तो मेडिकल मिरेकल है। जिस चीज को तुमने इतने सालों तक छुपा कर रखा, उस विजयश्री रत्न को गुरु भाई और रुद्रपा ने सेफली गवर्नमेंट को सौंप दिया है। किंग, उस बूढ़े डॉक्टर और गुरु भाई की मदद से तुम्हें क्या लगता है मेरे ही बनाए गेम से मुझे बाहर कर देना इतना आसान होगा? मैं अभी भी होम मिनिस्टर हूँ, तुम्हारी खुशियों पर पानी फेरते मुझे देर नहीं लगेगी। भूलना मत कि पूरा सिस्टम अभी भी मेरे हाथ में है, बाहर आते ही तुम सबको इसका रिएक्शन देखने को मिलेगा। किंग भाई, थोड़ी देर में मैं तुमसे जेल में मिलूंगा, असली ब्रेकिंग न्यूज मैं तुम्हें वहीं सुनाऊंगा। तुझे तो मैं नहीं हो सकता, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं छोड़ूंगा। तूने उससे क्या कहा? भविष्य मामा, भविष्य। अगर एक किंग इस तरह के गेम खेल सकता है तो सोचो ऐसे कितने किंग हमारे आसपास होंगे। अगर हमें उन्हें खत्म करना है तो हमारे हाथों में पावर होनी जरूरी है, उसके लिए हमें अपना किंग खुद बनना होगा, तभी राम राज्य आएगा।